हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया में। तो मैं हूँ सचिन और साथ में मनीषा। और गाइस अभी आज कल से बहुत सारा काम वाम था, मूड भी फिर थोड़ा सा ये हो गया। आज भी अभी वही है, भाग दौड़ थोड़ा स्कूल वगैरह का, और कल अभी फिर बहुत सारा काम भी करना है, तो इसलिए टाइम वाइम थोड़ा नहीं मिल पाया। स्कूल का भी आप लोगों को पता लग ही गया होगा, स्कूल में भी बहुत सारा अच्छा खासा काम वाम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी है। बाकी यहाँ पर ये लोग घर में अपना मोर्चा संभाला हुआ है, बाहर का मोर्चा मैं संभाला हुआ था थोड़ा सा, एंड इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया कि ब्लॉग सर नहीं आ पाए। लेकिन अभी चलिए, अभी आप लोगों को लेके चलते हैं मम्मी के पास, देखते हैं मम्मी आज क्या कर रही हैं। मैं वैसे भी बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, तो मम्मी से बातचीत करते हैं। बाकी ये भी अपना प्रोडक्ट लेके बैठी हुई है शूट करने के लिए शॉर्ट वीडियोज़। और आज बहुत सारे कुरियर आए हैं, बहुत सारे सब कुरियर आए हैं, क्या क्या आया हुआ है ये सब आप लोगों को दिखाएंगे। अमेजोन से मंगवाया हुआ हमने कुछ, तो चलो अभी चलते हैं मम्मी के पास, ठीक है, और बात करते हैं उनसे, उनका देखते हैं आज का क्या हाल है। उनको भी आजकल वीडियो शूट करना था प्रमोशन का। ये खाली आराम करती है गाइस, खाली इसको सोना है, इसको सोना बहुत अच्छा। निंदक नेड़ा राखी है आंगन कुटी बधाई, बिन साबुन पानी के निर्मल करे सुहाई। अच्छा दोहा। बाकी जेरी का देगा, जेरी एक अपना अलग मौज में, खुला छोड़ दिया था, चूहे को पकड़ लिया था, रात से खा जाता अगर तो ये हो जाता। और यहाँ पे गाड़ी मम्मी, तब मम्मी हमको टॉपिक दे देंगी, अभी तक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तब मम्मी क्या हाल है, है? आप बताइए, आप एक अंडा का छिलका दिखा रही हैं गैस के नीचे। हाँ, दिखाया। कौन दिखाया है? मतलब कौन दिखाया है अंडा का छिलका? बोल रही है मनीषा, अब हम आज के बाद अब नॉन वेज नहीं बनाएंगे। सही में बाहर बनेगा, बाहर नहीं बनाएंगे ही नहीं, घर में। घर में नहीं, मेरे हाथ का नॉन वेज खाने के लिए लोग सोचेगा कि मेरे हाथ का नॉन वेज कैसे ऐसा हो ये नहीं सकता है। मतलब एक अंडा का छिलका गलती से चला गया तो उसको खरोच खरोच कर दिखा रही हैं। हम थोड़ा दिखाए। कौन दिखाया था? मेरे रूमा में नमक रगड़ेगा ना तो तुमको भी रगड़ा। प्रिंस दिखाया था मेरा ब्लॉग में, नहीं है भाई, हम अब एकदम मम्मी का सेपरेट ब्लॉग हो गया। आपका सेपरेट ब्लॉग हो गया, फेसबुक पे सुन रहे हैं कि आपका ब्लॉग अच्छा धमाल मचा रहा है। हाँ। आपको पता है कि नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे लोग बातचीत अपना कर रहे हैं आपस में, आपका वीडियो तुम्हारे में डाल देंगे। अरे मेरा तो वो हो गया, स्ट्राइक आया हुआ है, हमारा तो फेसबुक से एक भी रुपया नहीं आता। मेरा फेसबुक बना है लेकिन शेयर नहीं कर पा रहा है, तो नहीं बढ़ रहा है सब। उस वही हाल मेरा भी, अपने आप फेसबुक का सिस्टम अलग है, जिसको मन करता है उसको देता है, उसका अलग ही सिस्टम चलता है। वो सब तो छोड़िए, स्कूल का देखी वीडियो, अच्छा लगा। आप बिजली का बिल का ताना मारी हमको सुनने में आया, कमेंट आया है हमारे पे, कमेंट आया है कि आपकी मम्मी बिजली का बिल का ताना, हम तो ब्लॉग देखते नहीं है, मेरा व्यूअर ही आके बता देता है सब इधर से उधर। ताना नहीं मारा है भाई, तुम कैसे हमको फंसा देता है, ताना थोड़ा मारा है, कॉल से लाइन कटा है घर का, तो हमको क्या पता है कॉल से कोई नहीं रिचार्ज करा रहा है बिल, तो हमको थोड़ी पता है। हमको बोल देंगे मेरे पास पैसा नहीं है, तू लोग करा लो अपन, हमको थोड़ी पता है। प्रिंस को बोले हैं तो वो बोल रहा है पापा को फोन लगाइए, बोलिए पापा से, तो पापा के पास ही ना नंबर है, इतना तो आप भी कर सकती हैं। और सब लोग हमको कॉल, मेरा मतलब फोन पे ही नहीं है, तुम कर दो मेरा अपलोड फोन पे। हाँ। बैंक खाता खोली है? हाँ। हाँ, तो फोन करंट खोले हम अपना, कुछ भी खोले, एटीएम कार्ड आया है तो हो जाएगा तुरंत, कर देते हैं अभी आपको उसका, हमारा कर दो, ये काम पड़ेगा तो हम कर देंगे, अभी इतना कुछ करना पड़ेगा क्या, मेरा मिलेगा भी तो इस पे आएगा, तो वही बोले हैं हम बोले हैं कि भाई तुम लोग घर में रख रहे हैं तो अब तुम बिजली बिल हम ही भरेंगे, तुम लोग भरो अपन, 10 गुजरा रहा है सब बोल। घर में रख रहे हैं क्या, घर सबका है, सब लोग रह रहा है, आपको रख रहे हैं घर में हम लोग और नहीं के हमको कौन रखने वाला है भाई? आपको हमको कौन आप रखने वाली है, तुमको तो हेत चुकी से रख गए हैं कीड़ा को बराबर से, हम रहे हैं, हम अपना हक लेके आए घर में, अब हमको रखेगा बूढ़ा हो जाएगा तब तो। वो सब बात हटाइए, और एक बात क्या बोल रहे थे भूल गए हम थोड़ा, लड़ाई करने के लिए नहीं, अरे क्या एक बात था, तू क्या झूला तरह बैठा, झूला बैठ जा
गाइज आप लोगों को हमारा भोजपुरी वीडियोस देखना होगा तो रिवोली ऐप पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, भोजपुरी में वहाँ पे वीडियोस आएंगे। और दूसरी चीज़ क्या, मैं एक बोलने वाला था मम्मी को, सोच गया था लड़ने के नहीं लिए। लड़ने के लिए नहीं आए थे, लेकिन हम भी अब सोच लिए कि लड़ेंगे नहीं इससे। अरे लड़ना नहीं था जी, पूछना था क्या, एक बात था, कमेंट आ रहा था, आज आया था। हाँ आप ही, हम तो वीडियो देखते ही नहीं, आप अपने वीडियो में क्या क्या बोल। हाँ लोग बोल रहे हैं कि मम्मी का रूम बनवा दो सचिन, हम बोल रहे हैं लोग को कि मम्मी के पास इतना ताकत अभी भी खुद है कि वो अपना रूम क्या एक घर बनवा सकती हैं। तो आप किस बात, अभी थोड़ा सा हाथ ढीला हो गया है मेरा। ढीला नहीं बोलते, टाइट बोलते हैं। ढीला तो पैसा तो बह रहा है खूब है। नहीं ढीला रहता तो गिर जाता है, टाइट रहता तो दम खींच कर रखता है। नहीं मेरा अभी हाथ टाइट हो गया, लेकिन तंगी आ गया है, टाइट में तंगी होता है। तो हम उन लोगों को ये बोलना चाहते हैं गाइज, मम्मी के पास अभी भी शक्ति है, मम्मी एक रूम क्या दो रूम दस रूम बनवा सकती है। तो आप लोग इस चीज़ उसमें मत रहिए, अभी स्कूल का सेशन है इसलिए स्कूल के टाइम पे थोड़ा सा फोकस किया जाए, बच्चों के लिए थोड़ा सा मेहनत किया जाए और वो सब चीज़ एक पैशन वाला चीज़ है। हंस रहा था हमारे पर, बोल रहा है कि लग रहा है कि रेलवे स्टेशन पर हम आ गए हैं, उस बाथरूम से निकलो, यहाँ खा रही हैं, यहाँ सो रही हैं, यहाँ रो रही हैं, यहाँ रची रखी है, यहाँ सामान रखी है। हमने बहुत हंस रहा है, हंस लो जितना हंसना है, जब हम बना लेंगे ना रूम हुआ उसके बाद बोलेगा सबके अब यहीं में रहेंगे लोग, तब तुम लोग जाना ही नहीं देंगे। अभी बुलाए हैं डाउन सेलिंग वाला को अपना रूम के लिए, वो हम बोलेगा इसके ठीक है आप वो वाला रूम हमको दे दीजिए, हम उसको वैसे ही मड़ई जैसा है अभी हम उसको बनवा लेंगे और एकदम फर्स्ट क्लास अपना अपने अकॉर्डिंग हम अपना उसका डिज़ाइन वगैरह सब कुछ करा लेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। करिए काहे के, तो हमको बनाना है तो हमको बोल रहे हैं कि हमको रहने दीजिए, हम अपने अनुसार बना लेंगे, हम उसमें रहेंगे भी तो अच्छा लगेगा। अब वहाँ वाले उसमें क्या है, डाइनिंग टेबल का हाल आप लोग देख ही रहे हैं, वो डाइनिंग टेबल मतलब घर में नहीं रहता तो ठीक रहता वैसा डाइनिंग टेबल, क्योंकि इतना लंबा है कि उसमें दो आदमी घुसेगा एक तरफ से, बाकी दो आदमी लॉक्ड ही रहेगा क्योंकि वो जगह ही नहीं है। अब उसका भी एरिया एक होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस देके घर में होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। खैर जो भी बात है, मैं तो ये बोला यहाँ ये गेस्ट रूम में डाइनिंग टेबल लगता है, ड्राइंग रूम है ये, तो वहाँ वो भी नहीं हटेगा, यहाँ पे आपको और आगे करना पड़ेगा उस डाइनिंग टेबल के। अब देखिए जैसे घर में हम वहाँ पे बनवाए खालिसपुर कर रहे हैं अम्बाला में, तो स्पेस दे के डाइनिंग टेबल के लिए ये बनाया, तो अभी भी तो आप बनवा रही है ना, अभी भी तो आप पीछे बनवा रही है ना, तो कह रहे हैं उसको भी अभी के हिसाब से बनवाइए, आप उसी जमाने के हिसाब से फिर बनवा दीजिएगा। बनवा दीजिए, नहीं बनवा लेंगे हम, नक्शा बनाएंगे उसका प्रॉपर, हम बना लिए नक्शा उसका, बना लिए हैं तो आगे रेलिंग छोड़ रहा है, उस तरह नहीं बालकोनी छोड़ रहा है। कितना भी आप बना लीजिएगा तो एक इंजीनियर की तरह बनाएगा। अच्छा आर्किटेक्ट पहले बड़ा इंजीनियरिंग तो किया है ना, घर तो बना के बैठे हैं ना अभी, हमने की बना लगा तीन को घर बना लगा। अरे आप घर बनाई है, हम भी घर बनाए हैं, लेकिन हम आर्किटेक्ट की तरह बनाए हैं, हम कमर्शियल बनाए हैं, जिससे कि हम 10 रुपया हमारा शॉप वाला सपना वाला के हिसाब से बनाए हैं, है कि नहीं। इतना बड़ा घर बना दिया कि कहीं एगो किराए पे नहीं चढ़ेगा, हम जानबूझ के ऐसा बनाया, इतना रुपया लगा के, अगर तुम इधर उधर रह रहे हो रेंट पे चढ़ा देता तो अच्छा खासा पैसा, कोई बात नहीं है रेंट पे तो लोग लेने को तैयार बैठे हैं, तीन फ्लैट बनता ऊपर, हम रेंट वाला सिस्टम नहीं रख रहे हैं घर में, 10 दूर का तीन गो फ्लैट दो रूम का। अरे छोड़िए ना, बन जाएगा फिर जमीन लेके, माता रानी चाहिए बन जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं, उसको सफाई करने के लिए आदमी चाहिए। अरे यार वो कितना टेंशन होता है, वो साफ रहता है, गंदा होगा तब ना, आपके घर में आता है 50 लोग डेली, हमारे घर में आएगा 2 लोग डेली, बंद भी रहता है तभी गंदा। हाँ तो उतना गंदा नहीं होता है, पता नहीं चलता है, तो इसीलिए घर के लिए गाइस आप लोग मेरे को मत बोलिए, क्योंकि मैं अभी स्कूल का जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, स्कूल का जिम्मेदारी कोई नहीं चला रहा, उसको बोल दो कि स्कूल देखे अपना, स्कूल हम संभाल लेंगे दोनों काम करें, और यहाँ के लिए भी बेंच क्विड में भी रखे हुए हैं कुछ गाड़ी सामान और कुछ उधर रखा हुआ। पापा तो फोन कर लो कहाँ है, इनको तिलक में जाना था, तिलक 7 बजे तो खत्म ही हो जाएगा। अरे नहीं जी, अभी क्यों, इसका तिलक है रवि सर। अच्छा इनका लुक देख सकते हैं आप। चलो गाइस तो व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, घर जुड़ गया चल दिया। हाँ रोजा रंग होगा धो जा रही है फिंच पे वो, बढ़िया है। तो इस व्लॉग में रहने देते हैं यहीं तक, आज कुछ शूट करने का मन नहीं है वैसे भी, ना मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल बातचीत थी
कि मैं इनका रूम क्यों नहीं बनवा रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये अभी खुद बना सकती है और मैं भी स्कूल पे ज़्यादा फोकस किया हूँ, स्कूल पे थोड़ा ध्यान दूँ। और मैं इस रूम को बनवा भी दूंगा, बनवा लूंगा अभी नहीं, थोड़ा एक दो महीने रुक के, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो रूम मेरे को दे दीजिए आप, ये वाला रूम आप ले लीजिए मेरा अभी के अभी ले लीजिए। नहीं भाई, हम अपना हम उसको इतना मस्त बनवा देंगे ना, और उसमें सब पहले तो जितना दीवार है 10-10 इंच का दीवार करवाएंगे, 10 इंच का दीवार करा के उसमें कटिंग करा के सब पाइप अंडरग्राउंड फिटिंग होगा, वाईफाई से लेकर के सब A to Z तार अंदर अंदर करवाएंगे, अभी ही हो पाएगा वो। तो क्वेश्चन 9 फीट होइए, 1-1 फीट जुड़वा देगा तो इधर का नहीं जुड़वाएंगे, उधर का 10 इंच का दीवार करवाएंगे, 5-6 फीट तो उसमें चाहिए ना पाइप वाइप करने के लिए या पाइप फिटिंग कराना चाहिए। चलिए कटिंग वटिंग करवा के वो अपना जैसे काम होगा वैसे करवाना पड़ेगा, अब वो हमको मौका मिला अगर हमको रहने को उधर मिलेगा तब हम बनवा लेंगे भाई, क्योंकि हम अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं, यहाँ पे भी चाहते हैं कि एक रूम हो जिसमें अपने हिसाब से रह सके आदमी। वो कितना मछलियाँ खेल रही है दोनों। बाकी आप सबका क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ। अभी तो 1-2 महीने तक कुछ नहीं करूँगा, अभी स्कूल पे फोकस किया हूँ, अप्रैल में एक बार स्कूल का सेशन खत्म होगा, उसके बाद ही मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट के लिए सोचूंगा। और अगर ऊपर वाले ने चाहा कहीं से कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मौका आया, अच्छा कैंपेन आ गया कुछ, तो फिर पूछना ही नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा कमी नहीं होगा, ये सोच लो, तुम कहीं घूमने भी नहीं जाएगा तो तुम्हारा ब्लॉग यहाँ हम घूमने बस तुम अपने मूड। मैं घूमने इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं अगर नहीं घूमूंगा तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मैं तो घूमता रहता हूँ, मेरा आज से नहीं, हमको लगता है कि 11th 12th में थे तभी से मेरा बहुत घूमने का वो है, जब शादी नहीं हुआ था तब भी मेरा साल में कितना कितना फ्लाइट होता था, तो बहुत जगह मैं पूरा इंडिया शादी के पहले ऑलमोस्ट घूम चुका था मैं। तो ये तो मेरा अपना पैशन है, मेरे को घूमना, एक्सप्लोर करना, चीज़ों को सीखना, नए कल्चर को जानना, ये सब मुझे अच्छा लगता है, और इनसे इनको प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ, तब क्या। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। घूम लिया जी, यो घूमे अभी और बाकी है, पूरा 206 का 206 देश घूमूंगा जब तक सांसें हैं। बाय।